कठिन है कि एक गेट बाय गेट पैक कर लेते तो कि नहीं हर में बात करके सुन के रखते हैं भाई तो बोले ना बोले काम हो गया ये बोला क्यों बहुत सारा बहुत सारा मोतिहारी में घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अग्निशमन दस्ता और पुलिस की टीम पहुंची। किसी तरह घर में बंद लोगों को बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पुलिस की माने तो पुरनहिया चौक निवासी सुबोध पंडित अपने परिवार के साथ बीती रात घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर सोए थे। सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो शोर मचाया। इस दौरान घर में आग फैल चुकी थी। इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन दस्ते को इसकी सूचना दी। अग्निशमन की टीम पहुंची और घर के अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान घर के मालिक सुबोध पंडित ने छत से नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की मदद से छत के रास्ते फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। इस अस्पताल में किसी को लेकर आते हैं तो घोड़ासान का जो अभी नए स्वास्थ्य प्रभारी हमेशा लापता ही रहते हैं। आज भी अभी तक वो नहीं, अभी भी लापता है। और यहाँ ना स्ट्रेचर है रखने के लिए, फर्श पर रख के इलाज किया जा रहा है। जांच होता तो जरूर बच जाता, प्रभारी तो रहता नहीं है तो डॉक्टर क्या रहेगा। प्रभारी हमेशा फरारे रहता है। अभी डॉक्टर है कि नहीं? अभी भी कोई नहीं है, प्रभारी अभी भी फरार है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है कि जो भी मौत हुआ है ये अस्पताल के लापरवाही से सब मौत हुआ है। कितना सदस्य था इसमें? कुल 5 सदस्य था, जिसमें 3 का मौत हो गया है, 2 लोग अभी घायल हैं। प्रशासन का व्यवस्था ठीक नहीं था। आग लगने के बहुत देर बाद प्रशासन पहुंचा है, एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं। कितना की मौत होने की बात बताई जा रही है सर? 3 व्यक्तियों की। घायल कितने हैं सर? 2 व्यक्ति अभी तक। आग लगने की कैसे पता चला, कैसे आग लगी है? अभी तक मैंने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली है और वास्तविक से तो पूरी जाँच में सामने आ पाएगी कि वास्तव में क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच प्रक्रिया, पूरी जांच में सर ये सब स्पष्ट कहा जा सकता है कि वास्तव में। दो जो इलाज है उसका कैसा स्थिति है जो हॉस्पिटल में है? दो इलाज हो रहे हैं, सुबोध कुमार का और उनकी पत्नी का, और स्थिति उनकी कंट्रोल में है। और सुबोध कुमार की स्थिति तो बहुत बेहतर है। हम लोगों का मेन उद्देश्य था, ये बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन मेन उद्देश्य अभी है कि 2 व्यक्ति जो बच रहे हैं उसको बचा लिया जाए। लगातार हम वहाँ के हॉस्पिटल से लाइनअप में हैं और उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी उनके घर के एक बेटा, एक बेटी और एक बहू की मृत्यु हुई है, उसके पोस्टमार्टम करके और बाकी उनको मृतक अनुदान की राशि जो देने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। साथ में बड़ा वो भी है और वीडियो साहब भी हैं। सारे चीज़ हम लोग अग्निशाम सारे चीज़ें यहाँ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जनता यहाँ के लोकल जो है, पब्लिक जो है, तुरंत गति से वो प्रयास की, क्योंकि और भयानक आग ये दूसरे घरों में भी फैल सकती थी, क्योंकि नीचे रुई का और कपड़े का दुकान था, उसी में आग लगी हुई थी सब। और इसके कारण और भयावहता बढ़ गई है, क्योंकि बच के निकलने का कोई साधन नहीं था। अग्निशाम ने 2 रूम को दीवार तोड़ करके उनको बड्डी को निकाला, वो दीवार तोड़ करके एक आदमी ऊपर से जंप कर पाए तो उसका अभी खून की स्थिति बेहतर है। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर स्थिति है, सोचनी है। घोड़ा सहन के थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। मृतकों की पहचान रोशन कुमार पंडित, कविता देवी और शालू कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।